good morning once again children we are learning maths chapter number 8 mapping your way in previous video we learn about how to observe and understand india map now in this video we will observe and learn different type of map and answer some questions so take out textbook page number 124 take pencil in your hand and we'll start the lesson lesson number 8 mapping your way yes page number 124 distance between towns you can see that here one map number six is shown here and there is a, some different uh, type of map it is shown here the scale is one centimeter on the paper is equals to 10 kilometers so remember all these things okay while observing the map. विल रीड द क्वेश्चन वन बाई वन दीज आर फाइव टाउन्स फाइंड आउट पहले देख लेते मैं आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी यहाँ पर लिखे फाइव टाउन्स लेट्स सी डैट इडलीपुर बर्फी नगर ढोकलाबाद देन भेलपुर एंड छोला घाट वेरी गुड ये सारे खाने की डिशेज के नाम है जो यहाँ पे एज अ टाउन बना के उनको रखा हुआ है ठीक है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप इडलीपुर या और यहाँ है बर्फी बर्फी नगर यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमें मेजर करना है स्केल से दैट वी विल मेजर फ्रॉम द स्केल एंड वी विल गेट द आंसर एज फाइव सेंटीमीटर ओके क्या आएगा फाइव सेंटीमीटर आएगा कितना सेंटीमीटर हाउ मैनी सेंटीमीटर पूछा है तो हमें आंसर सेंटीमीटर में ही देना है हमें उसको किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है ओके सेकेंड क्वेश्चन हाउ मनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्राम इडलीपुर टू बर्फी नगर अगर आप इडलीपुर से बर्फी नगर जाते हैं तो आपको कितने किलोमीटर तक आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तो हमने पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर uh, कर लिया है क्या है फाइव सेंटीमीटर और यहाँ पे स्केल क्या है वन सेंटीमीटर ऑन द पेपर इक्वल्स टू टेन किलोमीटर तो फाइव सेंटीमीटर अगर होगा तो ऑन पेपर कितने किलोमीटर होगा फाइव टू टेन दैट इज़ फिफ्टी किलोमीटर होगा यहाँ पे फिफ्टी किलोमीटर आएगा क्या आएगा 50 km you can observe here also 5 इंटू टेन इज इक्वल्स टू फिफ्टी किलोमीटर ठीक है तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 50 km इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच का डिस्टेंस कितना है 50 km थर्ड देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड खमनपुर मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर इडलीपुर और बर्फी नगर के मिडवे में है मिड में यानी बीच में है खमनपुर खमनपुर नाम का एक जगह है तो मार्केट विथ के चलो इसको के से मार्क कीजिए अभी हम कैसे मेजर करेंगे मिड में है मिड पॉइंट है यानी कि हमें स्केल से मेजर करना पड़ेगा और समवेयर यहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट आएगा तो वहाँ पे हम उसको लिखेंगे मार्क करेंगे के नाम से ठीक है आप देख सकते हो के और रेड के अंदर रेड कलर चलो अच्छा है देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन है अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज थर्टी फाइव किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट एंड ढोलकाबाद वेर डू यू थिंक इज़ कैन बी मार्केट मार्क जे फॉरेट चलो जलेबीपुर एक ऐसा टाउन है जो छोलाघाट से थर्टी फाइव किलोमीटर दूर है और ढोकलाबाद से छोलाघाट से थर्टी फाइव किलोमीटर दूर है और ढोकलाबाद से भी थर्टी फाइव किलोमीटर दूर है ठीक है अवे फ्रॉम बोथ बोथ छोलाघाट एंड ढोकलाबाद तो ये एक ऐसी जगह है जो इन दोनों के मिड में है जैसे जैसे यहाँ पे पता मिड वे में है मिड में है जो थर्टी फाइव किलोमीटर दोनों साइड से आएगा तो यानी कि ये दोनों के डिस्टेंस के बीच का थर्टी फाइव वही हुआ मिड पॉइंट वही हुआ लेट्स यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट रोड नहीं जा रहे है। यहाँ पे ऐसे टर्निंग वाले रोड है जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट रोड जा रहा है तो हाउ यू कैन ऑब्जर्व आपको यहाँ पे थ्रेड रख के ऑब्जर्व कर मेजर करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि उसका मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा सो समवेयर अराउंड यहाँ पे आ सकता है सो विल राइट जे विल बी हियर, जलेबी पूर्हाँ पे हो सकता है जो यहाँ से भी सेम लग रहा है जो यहाँ से भी सेम लग रहा है ओके जो दिस ढोलकाबाद से भी सेम लग रहा है और छोलाघाट से भी सेम लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे समवेयर मिडल मिड पॉइंट में आएगा जलेबीपुर चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट भेलपुर और छोलाघाट छोला के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है ये रहा हमारा भेलपुर ये रहा छोलाघाट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है अगर आप मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे कर्विंग तरह के का वाले रोड्स हैं तो आपको क्या करना है यू कैन यूज़ द थ्रेड यस आपको थ्रेड यूज करना है थ्रेड यहाँ पे रखना है अच्छे से और फिर उसको आपको स्ट्रेट करके अपने स्केल पे रखना है देन यू कैन ऑब्जर्व कितने कितना लेंथ आ रहा है कितनी लेंथ आ, आ रही है उसकी सेंटीमीटर में भी आएगी या फिर किलोमीटर में जो भी आपको आंसर लिखना है दैट यू हैव टू राइट डाउन बाय योर ओन सेल्फ ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आशीष स्कूल आशीष के स्कूल की बात हो रही है चलिए आशीष स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप अरे बाप रे टॉप से देखेंगे तो आशी की स्कूल ऐसे ही दिख रही है देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस दिख रहे हैं स्केल यहाँ पे दिया है टू सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फाइव मीटर मैप नंबर सेवन है टू सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फाइव मीटर है अभी हम हम पहले मैप को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे दिया हुआ है हॉल ये है हमारा असेंबली ग्राउंड यहाँ पे कहेंगे गार्डन है ये इतना बड़ा गार्डन है ये ऑफिस है ये है प्ले ग्राउंड जहाँ पर बच्चे खेलते हैं आई एम श्योर यू ऑल आर मिसिंग अवर स्कूल प्ले ग्राउंड ऑल्सो राइट यस फिर आएगा मेन गेट उसके बाद सारे क्लासेस आएंगे यहाँ पे सारे क्लासेस के नंबर भी दिए हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है विंडो यानी कि ये जो ऐसा जिगजैक वाला पैटर्न है ना ऐसा वो उसको दिखाया है वहाँ पे विंडो है ठीक है यहाँ पे दिखाई ये डोर है यानी कि मेन गेट का भी ये डोर दिख रहा है आपको यस ऐसी अरेंजमेंट को कहेंगे डोर है ठीक है चलिए ऑब्जर्व कर लिए अच्छे से नाउ अभी हम क्वेश्चन रीड करते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं यूज़ द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट यूज़ द स्क्यर्स टू फाइंड आउट क्या फाइंड करना है पहले हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज़ द एरिया ऑफ़ द असेंबली ग्राउंड धैन दैट ऑफ द ऑफिस हाओ मैनी टाइम्स बिगर दैट द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड धैन द ऑफिस पहले ऑफिस का एरिया देख लेते हैं चलिए ऑफिस का एरिया यहाँ पे है यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या दी गई है यूज़ द स्क्र्स टू फाइंड आउट अभी हमें उसको फाइंड करना है कि स्क्वायर uh, कितने हो होते हैं ऑफिस में कितने स्क्वायर है वन टू थ्री थ्री स्क्वायर है अभी हम आते हैं असेंबली ग्राउंड पे असेंबली ग्राउंड यहाँ पे कलर अलग किया हुआ है तो हमें अच्छे से पता चल रहा है कितने हैं चलिए देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन फिफ्टीन 15 फिफ्टीन स्क्वायर्स uh, है अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए अच्छे से समझिए इस बात को ऑफिस का है थ्री स्क्वायर और असम्बली uh, ग्राउंड का है फिफ्टीन स्क्वायर अभी थ्री और फिफ्टीन थ्री के टेबल में फिफ्टीन आता है आता है ना थ्री फाइव फिफ्टीन थ्री इंटू फाइव इज इक्वल्स टू फिफ्टीन यानी कितने टाइम्स हो गया फाइव टाइम्स आई बात समझ में सबको येस yes. तो ये असेंबली ग्राउंड ऑफिस से फाइव टाइम्स बड़ा है कितना फाइव टाइम्स बड़ा है सबको समझ में आया अच्छे से यस वेरी गुड चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हाउ मच इज द लेंथ एंड वर्थ ऑफ ईच क्लासरूम हाउ मच इज द लेंथ एंड वर्थ ऑफ ईच क्लासरूम फर्स्ट ए लेंथ इज़ फाइव मीटर एंड विथ इज़ फोर मीटर लेंथ टू मीटर एंड विथ इज़ वन मीटर अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सारे ऑप्शंस बहुत अलग अलग दिए हुए हैं मगर यहाँ पे मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे यू कैन ऑब्जर्व दैट कि सारे क्लासरूम तो एक ही साइज़ के दिए हुए हैं कोई छोटा या बड़ा तो दिया नहीं है देन वी कैन ऑब्जर्व यानी कि सारे क्लास का लेंथ और विथ सेम ही होगा ठीक है ट वन एक्ट ये नाइन्थ क्लास की बात हम करते हैं पहले इसका लेंथ और विथ फाइंड करते हैं यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखिए लेंथ या ऑब्जर्व करते कि क्या हो सकता है अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए तो ये पूरा जो दिया हुआ है ये उसकी लेंथ हो जाएगी कितने स्क्वायर है टू स्क्वायर है यहाँ पे दिया है टू सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फाइव मीटर स्केल हमारे यहाँ पे टू सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फाइव मीटर यानी कि लेंथ हो गई हमारी फ़ाइव सेंटीमीटर हो गई सॉरी फाइव मीटर हो गई ये दो ब्लॉक्स आ गए यानी कि लेंथ हो गई फाइव मीटर अभी विथ की बात करते हैं विथ यह ये होगी विर्थ अगर देखें ये पूरा फाइव नहीं दिख रहा है ये पूरा टू ब्लॉक्स नहीं दे रहे हैं ये फाइव से थोड़ा कम है यानी कि क्या हो सकता है फोर हो सकता है तो हम ले लेंगे कि फोर मीटर आ गया यानी कि दो अगर वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर सॉरी टू सेंटीमीटर अगर लेते हैं तो फाइव मीटर हो जाता है फाइव मीटर हो जाता है तो अगर ये दो से थोड़ा कम है तो क्या हो सकता है फोर सेंटी फोर मीटर हो सकता है फाइव की जगह पे ठीक है तो क्या आएगा ऑप्शन हमारा ये फाइव सेंटी फाइव मीटर आएगा लेंथ और विथ क्या आएगी फोर मीटर क्योंकि पूरा पूरा कवर नहीं करता है ठीक है पूरे दो ब्लॉक्स को कवर नहीं करता है सो विथ इज़ फोर मीटर ठीक है तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट चलिए आगे और एक मैप दिख रहा है मैप नंबर एट उसके बारे में थोड़ा जूम करके देखते तो ये हमें अच्छे से पता चलेगा कि क्या है ठीक है चलिए देखिए ये हमारा मैप है अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है चिल्ड्रन तो आप प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करके पेज नंबर 125 पे देख सकते हैं यू कैन ऑब्जर्व वेरी क्लियरली अच्छे से आपको दिखाई देगा दिखा। ये मैं आई हैव टेकन दिस पिक्चर्स बिकॉज ऑफ कन्वीनियंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ओके चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं मैप नंबर एट पे देखते हैं मैप नंबर एट में दिया हुआ है क्लास के अंदरूम अंदर का मैप दिया हुआ है ठीक है क्लासरूम के अंदर का मैप दिया हुआ है क्लासरूम के अंदर क्या क्या है तो देखते देखते यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री करते हैं ये जो साइन है ये सिंबल ये इंडिकेट करता है डोर को ठीक है फिर ये जो एम लिखा हुआ है मैंने बोला था वो इंडिकेट करता है विंडोज़ को ठीक है यानी कि क्लासरूम में दो विंडो हो गई एक डोर हो गया और क्या क्या है लेट्स सी ऑब्जर्व यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड दिया यानी कि अगर हम बोले नोटिस बोर्ड कहाँ पे है तो नोटिस बोर्ड कहाँ पे आएगा डोर की बिल्कुल बाजू में आएगा ठीक है डोर के ही लाइन में बिल्कुल बाजू में आएगा नोटिस बोर्ड आएगा अभी यहाँ पे डोर के सामने यहाँ पे एक डेस्क दिया हुआ है और डेस्क के सीधा सामने क्या है बेंचेस दी हुई है सारी ये सारी बेंचेस है जहाँ पे बच्चे बैठते हैं ठीक है बेंचेस के पीछे क्या है डिस्प्ले बोर्ड है डिस्प्ले बोर्ड है ये बात याद रखिए डिस्प्ले बोर्ड है और डिस्प्ले बोर्ड के एग्जैक्ट सामने क्या है ब्लैक बोर्ड है ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा ब्लैक बोर्ड एंड डिस्प्ले बोर्ड आमने सामने है अपोजिट है और ब्लैक बोर्ड के अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे क्या है विंडो है और राइट right साइड पे क्या है डोर है ये भी याद रखिएगा ठीक है और डिस्प्ले बोर्ड के डिस्प्ले बोर्ड के लेफ्ट साइड पे क्या आएगा अलमीरा आ गया यहाँ पे एक अलमीरा भी है ठीक है अंडरस्टैंड सबको समझ में आ रहा है लेट्स सी दैट यहाँ पे देखिए ऑल द क्लासरूम इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस यानी कि आशी के स्कूल में सारे जो भी क्लासरूम्स हैं वो सारे ऐसे ही दिखेंगे यानी कि उनका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि डोर की ओपन होने की पोजीशन शायद बदल जाए मगर क्लासरूम विल रिमेन द सेम पैटर्न हर एक क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होगा हर एक क्लासरूम में नोटिस बोर्ड होगा हर एक क्लासरूम में डिस्प्ले बोर्ड होगा फिर अलमेरा होगा ठीक है विंडो होगी बेंचेस होंगे ये सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली है हर एक क्लासरूम में ठीक है मगर हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है दैट वी हैव टू लोकेट ऑल्सो ओके चलिए समझ में आ गया सबको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलिए ये सॉरी नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ ठीक है लुक केयरफुली एंड आंसर हमें उसको आंसर करना है सब कुछ क्वेश्चंस है मैंने जानबूझ के यहाँ पे दो मैप रखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फर्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको क्वेश्चन रीड नहीं कर पा रहे हो तो आपको मैंने बोला है यूज़ द टेक्सट बुक सो दैट यू कैन ईजीली रीड द क्वेश्चन फर्स्ट विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड कौन सी चीज़ एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट है ब्लैक बोर्ड के ये रहा ब्लैक बोर्ड ये आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ठीक है ये रहा तो ब्लैक बोर्ड के सामने ऑपोजिट में क्या है एग्जैक्टली ऑपोजिट तो मैंने बोला था डिस्प्ले है डिस्प्ले इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू तो द ब्लैक बोर्ड यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं अलमीरा विंडो नोटिस बोर्ड एंड डिस्प्ले तो हमारा आंसर क्या होगा डिस्प्ले होगा ठीक है चलिए बी पे नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन गैस एंड मार्क वेर वुड दिस बी चलिए ये काम आपको करना है थोड़ा मैं आपको एक या दो ही क्वेश्चन में हेल्प करूंगी बाकी सारी चीज़ें आपको खुद से लोकेट करनी है ठीक है मार्क करना है कहाँ पे है कौ, 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 कौन से मैप पे मार्क करना है ये मैप में ये मैप में आपको मार्क करना है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे है ठीक है ये क्लासरूम है ये दोनों मैप मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ पाए ठीक है फर्स्ट है ब्लैक बोर्ड इन थर्ड एंड सेवेंथ चलिए ब्लैक बोर्ड की मैं पोजीशन आपको बताती हूँ कि कहाँ पे है ब्लैक बोर्ड थर्ड ए क्लास यहाँ पे है मेरा और सेवेंथ क्लास मेरा यहाँ पे है चलिए ये दोनों क्लास में मुझे दिखानी है ब्लैक बोर्ड की पोजीशन ब्लैक बोर्ड अभी हम पहले ये मैप देखेंगे कि स्कूल के क्लासरूम के अंदर मैप कैसा दिख रहा है और वहाँ पे ब्लैक बोर्ड की पोजीशन कहाँ पे है अगर हम डोर ओपन करते हैं डोर और विंडो के सामने वाली जो ये ऑपोजिट है डोर एंड विंडो ऑपोजिट है उसके वाली जो ये साइड है वहाँ पे आएगा हमारा ब्लैक बोर्ड ठीक है ये हमने देख लिया अभी हमें यहाँ पे देखना है कि हम थर्डे में देखते हैं डोर कहाँ है ये रहा थर्डे में डोर यहाँ पे विंडो यहाँ पे है तो उसके साइड वाली यानी कि ये साइड यहाँ पे हो सकता है हमारा ब्लैक बोर्ड थर्डे में और अगर हम सेवन स्टैंडर्ड की बात करें तो सेवन्थ में डोर यहाँ पर है विंडो यहाँ पे रखी हुई है तो ये साइड हो गई हमारी यहाँ पे हो सकता है हमारा ब्लैक बोर्ड आई बात समझ में सबको अच्छे से ये क्वेश्चन कैसे किया हमने सॉल्व समझ में आया सबको पोजीशन देखनी है आपको रिलेट करना है ये मैप से हमें पोजीशन देखनी है और इस मैप में हमें रिलेट करना है कि वो चीज़ कहाँ पे होगी ठीक है ये वहाँ मैप नंबर एट भी इंपॉर्टेंट है मैप नंबर सेवन भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है ये इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है कि और लोकेट करना है गैस करना है और मार्क करना है कि वो चीज़ कहाँ पे होगी ठीक है ब्लैक बोर्ड है आपको लि, आप लिख तो नहीं पाओगे वहाँ पे मगर एक अच्छे से छोटा सा स्क्वायर बना सकते हो ऐसा बोल और फिर रिज्यूम कर सकते हो कि ये ब्लैक कलर का है यू कैन यूज़ द डिफरेंट कलर पेंसिल आल्सो और यू कैन यूज़ द डिफरेंट कलर पेन आल्सो सो दैट यू कैन मार्क इन अ प्रॉपर वे ठीक है अलमीरा इन सिक्स एंड टेंस अलमीरा आपको दिखानी है फोर्थ स्टैंडर्ड uh, ये रहा टेंटैंड ये रहा अब आपको अलमीरा कहाँ आएगी वो आपको दिखना है और उसको कहाँ लोकेट करना है वो भी आपको देखना है आई विल नॉट गिव यू द आंसर मैंने सिर्फ एक का आंसर बता दिया फिर दूसरा है नोटिस बोर्ड इन फिफ्थ एंड सिक्स बी फिफ्थ स्टैंडर्ड यहाँ पे है सिक्स बी यहाँ पे है ये दोनों में आपको फाइन करना है नोटिस बोर्ड कहाँ पे रखे रहेगा लास्ट सेट ऑफ मिडिल रो इन टू सेकेंड क्लास में लास्ट सीट लास्ट सीट ऑफ मिडल रो ये देखें अगर रो की बात करेंगे हम तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तो मिडल रो कौन सी आ गई थर्ड रो आ गई उसमें लास्ट सीट यहाँ पे यानी कि एग्जैक्टली बिसाइड्स द और यू और यू कैन से इन फ्रंट ऑफ डिस्प्ले बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड की एक्जैक्टली बाजू में आ गई हमारी मिडल रो तो वो पोजीशन हमें मार्क करनी है सेकेंड स्टैंडर्ड में सेकेंड स्टैंडर्ड कहाँ है भाई सेकेंड स्टैंडर्ड हमारा ये रहा ये रहा सेकेंड स्टैंडर्ड ठीक है दिख रहा है आपको यही है सेकेंड स्टैंडर्ड यस यही है सेकेंड स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड यहाँ पे नाउ लास्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पर फर्स्ट में आपको फाइन करना है डिस्प्ले बोर्ड कहाँ पर होगा ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मार्क करने हैं मैंने सिर्फ एक का बता दिया बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप से खुद से मार्क करने हैं आई होप आपको सारे वीडियोस में अच्छे से ये चैप्टर नंबर एट मैपिंग योर वे समझ में आया होगा अगर किसी को कोई भी डाउट है दे कैन वॉच द वीडियो रिपीटेडली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है दे दे कैन आज द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर यानी सॉरी नॉट क्लास टीचर सब्जेक्ट मैथ्स टीचर को पूछ सकते ठीक है सब आई एम श्योर कि ये सारे वीडियो अगर आप रिपीटडली देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा आई विल सेंड यू इन द नेक्स्ट मैथ्स क्लास द पी डी एफ फॉर द होल टेक्चुअल एक्सरसाइज विद द आंसर एज वेल एज विल सेंड यू द एक्सट्रा वर्कशीट टू राइट डाउन एवरी थिंग इन द नोटबुक ठीक है टिल दैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच